कौन है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? सुंदरा राजे के हाथ में पर्ची आई, जाने बंद कमरे की पूरी कहानी आज के वीडियो में। भजनलाल शर्मा को किन वजहों से मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी? भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनका नाम का ऐलान किया गया। भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक है और बीजेपी के महामंत्री है। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा के टिकट पर जीते विधायकों ने उन्हें अपना नेता माना। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया। विधायक दल की बैठक से पहले बड़े नेता पर्यवेक्षकों से मिले थे। भजनलाल शर्मा का निवास स्थान जयपुर के जवाहर सर्किल पर है। वह मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। वह संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वह प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया था। सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से शिकस्त दी थी। राजस्थान के नए सीएम के नाम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव की तरह ही बीजेपी किसी नए नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकती है, और हुआ ऐसा ही। भजनलाल शर्मा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खासियत है कि हमेशा सरप्राइज ही देती है। दूदू के विधायक प्रेमचंद बेरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो दूसरा विद्याधर नगर से चुनाव लड़ी दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसकी चर्चा नहीं थी। पार्टी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग रूम में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिया कुमारी और अनिता बदेल को अलग अलग कमरे में बैठाकर बातचीत की गई। भजनलाल शर्मा को रूम में ले जाकर राजनाथ सिंह ने बात की। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद बेरवा से रूम में बात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन में कुछ मिनट दोनों की बात हुई। इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था। वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य में दो डिप्टी सीएम का नाम भी ऐलान कर दिया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे। इसके साथ ही सीएम को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया।